हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएस। तो भाई पहली बार इतिहास के अंदर भारत ने 400 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया है। तो जानेंगे पूरी खबर। आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। देखिए न्यूज़ में क्यों है, पहले इस बात को बताती हूँ आपको। ऑयल प्राइसेस का जानते हैं इतनी तेज़ी में बढ़ना, खासकर रशिया और यूक्रेन की वॉर के चक्कर में। अक्रॉस द बोर्ड अपटेक इन द ग्लोबल प्राइसेस ऑफ इंडस्ट्रियल कमोडिटीज़ का होना, उसके बाद रिसर्जेंट एग्री सेक्टर का होना और हाई शेयर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का होना, ये सारे मेन रीज़न बताए जा रहे हैं जो इंडिया रीच कर रहा है सरकार का एनुअल एक्सपोर्ट टारगेट। तो आप कहेंगे हैं ये तो आप ओवरव्यू दे रही, ज़रा आप अच्छे से एक्सप्लेन करके बताइए कि एक्चुअली में कैसे ये संभव हो पाया। तो मैं आपको बताऊंगी पूरी खबर, बट उसके पहले आपके फ़ायदे की बात कर लेती हूँ। देखिए कल होने वाला है अन अकेडमी पर सिविल सर्विसेज चैम्पियनशिप, उसके में आपको क्या फ़ायदा है? फ़ायदा ये है कि सारे जो टेस्ट लेंगे उनको मिलेगा सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन, उसके साथ स्कॉलरशिप और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे आपको 15 करोड़ रुपये तक के। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाइए फ्री में खुद को एनरोल कराइए बाई यूजिंग माई कोड सिर्फ आईएस, टेस्ट लीजिए और रिवॉर्ड पाइए। इसके अलावा यहाँ पे आपके आईएएस के ड्रीम को पूरा करने के लिए एक बहुत ज़बरदस्त ऑफर लेकर आया है अकेडमी, इसमें फ्लैट 20% ऑफ कर रहा है, साथ में 3 महीनों का फ्री एक्सटेंशन भी आपको मिलता है। लिमिटेड पीरियड ऑफर है, 55,000 तक आप बचा सकते हैं। जस्ट गो थ्रू द कमेंट बॉक्स, प्रेस ऑन द लिंक एंड यूज़ माई कोड सिर्फ आईएएस फॉर अवेलिंग दिस डिस्काउंट। इसके अलावा यहाँ पे आप अन अकेडमी लाइट के तहत प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज़ भी ले सकते हैं, बहुत ही अच्छी रेटिंग की टेस्ट सीरीज़ है। इसमें भी जब यू यूज़ माय कोड सिर्फ आईएएस तो यू विल गेट द 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो हुआ ये है कि इंडिया ने पहली बार सरकार का जो एनुअल एक्सपोर्ट टारगेट है ना उसे पूरा किया है 2014 के बाद से। और जो हमारा देश है इसने क्रूशियल थ्रेशहोल्ड था ये 400 बिलियन डॉलर्स का, वो यहाँ पे क्रॉस कर लिया है इन द एनुअल मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट टारगेट में। तो इंडिया ने एक बहुत ही एम्बिशियस गुड्स एक्सपोर्ट टारगेट रखा था 400 बिलियन का, इसे पहली दफ़ा पूरा करा है। तो ऐसा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने कहा कि भाई हम कॉन्ग्रेचुलेट करने चाहेंगे अपने फार्मर्स को, वीवर्स को, MSMEs को, मैन्युफैक्चरर्स को, एक्सपोर्टर्स को इस महान सक्सेस के लिए। उस टारगेट को पॉइंट आउट करते हुए ना जो ये अचीव हुआ है इन 9 डेज अहेड ऑफ द शेड्यूल है ना, मतलब जो माना था उससे 9 दिन आगे हुआ है लेकिन हुआ है, इसके चलते मोदी जी ने ये बात ट्वीट करी है दैट दिस ट्रांसलेटेड टू 33 बिलियन वर्थ ऑफ एक्सपोर्ट एवरी मंथ और 1 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट एवरी डे। तो इसके साथ 46 मिलियन वर्थ ऑफ एक्सपोर्ट एवरी आर ऑफ द ईयर, ये इन्होंने प्रॉपर इसका कैलकुलेशन करके बताया है। अब कॉमर्स डिपार्टमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है कि फर्दर डिटेल्स और रिलीज़ करी जाए, बट अवेलेबल डेटा यही दिखाता है कि यहाँ पे एक्सपोर्ट 45.8% से बढ़ा अप्रैल से फरवरी फाइनेंशियल ईयर 2022 में एज़ कम्पेयर टू द सेम पीरियड जो 2019-20 का था। तो 21-22 में बढ़ा है टोटल एक्सपोर्ट, यहाँ पे 374 बिलियन रहा टिल फरवरी, अप टू 256.5 बिलियन 2019-20 में था ये, तो काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। तो ओनली द लास्ट 2 मंथ्स, पिछले 2 महीने में यहाँ इकोनॉमिक डाउन टर्न देखने को मिला है ओइंग टू कोविड है ना, वो तो इसकी बात थी, इस सन की बात थी। अच्छा डिफ़िकल्ट 2021 के बाद, 2021 में आप जानते हैं क्या हालत हुई, सेकेंड वेव आई, तो मार्क्ड बाय लॉकडाउंस एंड रिस्ट्रिक्शंस एक्सपोर्ट यहाँ पे बढ़ना शुरू हो गया एट द फाइनेंशियल ईयर है ना। पहले तो चलो दिक्कत रही, बाद में बढ़ना शुरू हुआ। तो करंट फाइनेंशियल ईयर में ये हर महीने बढ़ा है टिल फरवरी, और सारी मेजर कैटेगरीज जो एक्सपोर्ट्स की हैं वो बराबर कंसिस्टेंसली बढ़ती चली जा रही हैं। मनी कंट्रोल जो है वो ले रहा है डीप डाइव इनटू द इंडियाज एक्सपोर्ट सेक्टर टू सी व्हेन व्हाट वेंट राइट। तो अभी यहाँ पे जो मनी कंट्रोल का जो जितना हिसाब किताब होता है वो तो मैंने अपनी सीरीज़ में पढ़ाया ही है बहुत अच्छी तरीके से, आप मुझे अकेडमी फॉलो कर सकते हैं, बाय द नेम ऑफ प्रसन्ना वर्मा, वहाँ मैंने संजीव वर्मा पूरी कंप्लीट करा दी है इकनॉमी की, इंडियन इकनॉमी की। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, और ऐसी वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मुझे फॉलो करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, जय हिंद, मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में।